सोनीपत ड्रेन नंबर 6 में गिरा, 13 साल का बच्चा ड्रेन से निकाला बाहर। बच्चा खुले हुए मैनहोल से नीचे गिरने के बाद ड्रेन की गाद में धस गया था। नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों ने काफी संघर्ष के बाद बच्चे को मृत हालत में निकला शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिविल अस्पताल में भेजा। ड्रेन नंबर 6 के खुले हुए मैनहोल से बच्चा नीचे गिर गया और गाद में धंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने 8 घंटे से भी अधिक संघर्ष कर बच्चे के शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा। इस दौरान मृतक बच्चे के पिता ने नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि ड्रेन को पक्का जरूर किया गया, लेकिन जो मैनहोल बनाए गए उन पर ढक्कन नहीं लगाए गए, यही लापरवाही बच्चे की जान पर भारी पड़ गई। पीड़ित परिजनों ने अपना दर्द भी बयान किया है। हम तो मांग जा करते हैं, खाली हमारे सीवर ढक्कन बंद होते तो नहीं मरता, सीवर ढक्कन खुले थे सारे, वहाँ पूरे ढक्कन खुले थे। हमारी कार्रवाई चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें। हम इंसाफ की मांग करते हैं जी, इंसाफ होने चाहिए। कल तक वो ढक्कन खुले रहते, खुले थे, अभी खुले ना रहते तो बच्चे आज मरते ना।